बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा ज़बरदस्त आम का मुरब्बा तैयार हो गया है। ये डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़े का बना है ये। ये घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी रेसिपी। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक के बटन को लाजमी दबाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सजाद अहमद और आप देख रहे हैं मुल्तानी किचन यूट्यूब चैनल। आज हम आम का मुरब्बा बनाने लगे हैं। कच्चे आम का यानी कि रॉ मैंगो जो होता है उसका मुरब्बा, इसे कैरी का मुरब्बा भी कहते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार होता है, खट्टा मीठा। बच्चे बूढ़े सारे शौक से खाते हैं। इनके ब्रेड पे लगा के बड़े शौक से बच्चे खाते हैं। तो आइए आप शुरू करते हैं कि ये मज़ेदार सा मुरब्बा कैसे बनता है और इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया। आइए शुरू करते हैं। ये कैरी का मुरब्बा बनाने के लिए यानी कि कच्चे आम का मुरब्बा बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, ये हमने लिया है 1 किलो आम लिए, ये बादाम लिए हैं 6 से 7 अदद, और सिरका लिया हमने 1 टेबल स्पून, और फूड कलर है ये 1 बेंच यानी कि 1 चुटकी लिए हमने, 2 कप हमने लिया चीनी, और इसके अलावा ये 1 टुकड़ा लिया है हमने दालचीनी का, और 4 लिए हमने हरी इलायची। तो आइए अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसे छील लेंगे। ये छील लिया हमने। अब हम इसे काट लेते हैं। बड़े बड़े साइज़ के काटेंगे, वो खूबसूरत लगते हैं बड़े साइज़ के। ये हमारे आम कट गए। अब इसे बॉयल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले आम डालेंगे। और इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी।
इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे हम पकाएंगे जब तक हमारे ये आम नरम नहीं हो जाते, यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर इसमें हम चीनी डालेंगे और इसे पकाएंगे। इसे 10 मिनट के लिए हम खड़ा कर देते हैं उबलने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 10 मिनट हो गए। अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये आराम से टूट रहे, ये गल गए हमारा। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 2 कप चीनी। और इसमें डालेंगे हम सिरका, ये 1 टेबल स्पून सिरका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसमें डालेंगे हम छोटी इलायची और दालचीनी। इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब हम इसे गाढ़ा करेंगे, इतना गाढ़ा करेंगे कि ये एक तार का शीरा बन जाए। अब इसे 10 मिनट और पकाएंगे ताकि ये शीरा इसका गाढ़ा हो जाए। ये 5 मिनट हो गए हैं इसे पकाते हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे हम फूड कलर, जो येलो कलर है। अब इसे और पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 20 मिनट हो गए हैं हम, ये हमारा गाढ़ा हो गया काफ़ी शीरा हमारा। ये इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये एक तार का शीरा हमारा तैयार हो गया। इसमें डालेंगे हम बादाम। इसे 5 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे खड़ा कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारा ज़बरदस्त आम का मुरब्बा तैयार हो गया। ये डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़े का बना है। ये घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी रेसिपी। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक के बटन को लाजमी दबाइए। हाँ जी दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मुरब्बे की वीडियो? बहुत ही टेस्टी बना था ये मुरब्बा। आप भी घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा और खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अच्छे अच्छे मुरब्बे बनाते रहें और खाते रहें।
मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।